जनता दल यू युवा के जिला अध्यक्ष बने चिक्कू सिंह। चिक्कू सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा जितना बिहार में विकास हुआ है और जो हो रहा है, उनके हाथों को मजबूत करते हुए हम तमाम प्रखंड में जा जाकर पंचायत स्तर तक, यहां तक कि हम प्रयास करेंगे कि बूथ स्तर तक जाकर हम सुंदर सशक्त कमेटी का निर्माण करें, जिससे माननीय नीतीश कुमार जी जनता दल यू और भी मजबूत हो सके। और कहा कि आज हर एक युवा बेरोजगार है और मजबूर होकर घर बैठे हैं। हम उनसे मिलकर एक नया रास्ता दिखाएंगे और उनको जिस क्षेत्र में रुचि होगी उस क्षेत्र में उनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। पूरे बिहार में इस चीज का चर्चा हो कि उन्होंने मुझे बनाकर कोई गलती नहीं किया। युवाओं के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, किस तरीके से युवाओं को अपने ओर आकर्षित करेंगे? देखिए, सब युवा वर्ग आज बहुत ही परेशान है, काफ़ी थोड़ा बहुत दिक्कत अब जो नौकरी के लेकर कहीं एग्जामिनेशन, बेरोजगारी जो बढ़ गया है आजकल, बहुत बढ़ा हुआ है, हर एक जगह माहौल जो देखने में आ रहा है कि युवा परेशान होकर घर बैठा हुआ है। हम लोग हर एक युवा से मिलेंगे, जुलेंगे, उनको एक सही रास्ता दिखाएंगे और जहाँ तक होगा उनका मदद किया जाएगा। अगर उनका जिस क्षेत्र में रुचि होगी उस क्षेत्र में हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको अध्यक्ष पद मनोनीत किया गया, सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी इस अध्यक्ष पद के नाते? देखिए, हम युवा के जिलाध्यक्ष हैं, तो मेरा यही यहाँ दायित्व है कि मैं जनता दल युवा को भोजपुर में इतना मजबूत कर दूँ कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफ़ी आसानी तरीके से गठबंधन, हमारी एनडीए की सरकार और जनता दल यू काफ़ी भारी संख्या से विजयी यहाँ से निकले। बस हम लोग का यही देश पद के लिए आपको मनोनीत किया गया, सर्वसम्मति से किया गया या कुछ इस प्रकार के? देखिए, हमको मेरे अपने कार्यशैली देखते हुए हमारे वरीय नेता लोग हमको चुने हैं। मैं बहुत दिन से जनता दल यू में छात्र में प्रदेश उपाध्यक्ष था और बहुत दिनों से कार्य करता था, अब आगे भी करता रहूंगा। हमको पद से कोई चेष्टा नहीं है, हमको जो जिम्मेवारी दी जाएगी हम उसको बेखूबी निभाएंगे, चाहे जो हो। हम कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सेवक थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। युवा जनता दल यू जिला अध्यक्ष चिक्कू सिंह।